उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। इस समय शालीमार गार्डन के हमारे एक चर्चित चेहरे और समाज सेवक, कवि, स्टार, बड़े भाई साहब डॉक्टर शिवानंद डंगवाल जी के क्लिनिक पे आया हूँ। और चूंकि वो कोरोना काल में भी उनका बहुत योगदान रहा, और हमारे उत्तराखंड राज समिति जी ही नहीं, वो अलग अलग समुदायों में हर जगह हर एक अपनी सेवाएं देते हैं। सर, आप मेरे पास आए, आपका हार्दिक धन्यवाद और आपका अभिनंदन। आप हमारे बहुत ही जो है चर्चित हमारे चेहरे हैं समाज के, जो है उत्तराखंड जन मोर्चा के आप अध्यक्ष हैं और बहुत समय से टीम चलाते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं। आप गायक भी हैं, कलाकार भी हैं, आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। आप मेरे छोटे भाई हैं और मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि आप मुझे बड़े भाई कह के सम्मान देते हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है। और ये मैं आपको बताता हूँ, अब एक एक करके बताता हूँ सीरियल वाइज। 1976 में जब मैं मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था, तो ये मैं रोहतक मेडिकल कॉलेज की मेरी डाइसेक्शन की फोटो है। ओके। जो कि जिसका कि हम डेड बॉडी का डाइसेक्शन कर रहे हैं, ये व्हाइट एप्रिन में मैं हूँ, हमारे प्रोफेसर हैं। ये कोरोना काल का मेरे को जो है वो कोरोना वॉरियर सर्टिफिकेट दिया गया है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे टंगा हुआ है। राजनीतिक रूप से जो है काफी मैं सक्रिय रहा हूँ, ये सारी चीजें हैं। चाहे वो पहले मैं कांग्रेस में भी रहा हूँ, अब मुझे बेस्ट डॉक्टर का 20 डॉक्टर में अवार्ड भी मिला है। केसी त्यागी जी मुझे डॉक्टर का अवार्ड दे रहे हैं। हरीश रावत जी के उसमें भी मैं रहा हूँ, और काफी जगह मुझे समाज में सम्मानित किया गया है। जब भगत सिंह कोश्यारी जी जब राज्यसभा में गए थे, तब उनका हमने यहाँ पर कार्यक्रम करा था गोंडा में, तो उसमें भी मैं हूँ और हमारे सब हैं। राजेश खन्ना जी के साथ 91 में मैंने कार्य किया था, उनके साथ भी मैं हूँ, और तमाम नेताओं के साथ में मैंने काम किया। हमारे यहाँ के महापौर चंद्रमोहन शर्मा भाई हैं, और डॉक्टर हर्षवर्धन जब जी उनके साथ मैं कार्यकारी प्रदेश में था, उत्तरांचल प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। कार्यकारी अध्यक्ष मुरारी सिंह पवार जी बैठे हैं, अध्यक्ष उनके साथ उपाध्यक्ष रहा हूँ। आप अपने चीजें हैं डॉक्टर अपने साथ। तो इस प्रकार से मेरा जीवन सामाजिक और राजनीतिक और मेडिकल प्रोफेशन में लगातार मैं 1975-76 से सक्रिय रहा हूँ, और आज भी मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ यहाँ पर बिना फीस लिए, और पूरी तरह से जो है गरीबों की और मध्यम वर्ग की सेवा कर रहा हूँ और सामाजिक कार्य भी साथ साथ कर रहा हूँ। और आपने आकर के मेरा जो इंटरव्यू लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभारी। नहीं, ये वॉइस आपके प्रति बहुत दिन से एक वो थी कि भाई एक आपका जाना चाहिए, कोरोना काल में आपने बहुत बड़ा काम किया। जी जी, मुझे कोरोना, और इसी के साथ मैं आभारी, बहुत अभिनंदन आपका। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा